नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। इमरान खान ने तब्दीली की जो राह दिखाई थी, आज पूरा पाकिस्तान उसी राह पर बढ़ रहा है। इमरान की इस तब्दीली का दरवाजा घबराना नहीं से खुलता है और घबराना नहीं के साथ ही बंद हो जाता है। मामला चाइना और भारत के बीच चल रहा है, पर घबराया हुआ पाकिस्तान है। इन्हें डर सता रहा है कि अगर मोदी अधिक्रामक हुए तो केवल पीओके ही नहीं, अक्साई चीन भी हाथ से जा सकता है। इसके साथ ही 60 मिलियन डॉलर की लागत से बनने वाला चाइना पाक आर्थिक गलियारा इतिहास बन जाएगा। स्थिति यह है कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान घबराहट में है। पूरा पाकिस्तान मोदी फोबिया से ग्रस्त हो चुका है। इससे पहले कि इस विश्लेषण को आगे बढ़ाए, मदरसा जमात के इस कथित बुद्धिजीवी के ज्ञान की परख करना जरूरी है। इस महाशय ने मोदी की योजना का पूरा खाका पाकिस्तान के सामने रख दिया है। तो आइए सुनते हैं इस जनाब को। मोदी जो है, एक इलेक्शन तो उसने जीता है। वो कहता है, वो बीजेपी कहती है कि बालाकोट ने हमें एक इलेक्शन जिताया। लोगों ने कहा ये डट के लड़ते हैं पाकिस्तान के खिलाफ और ये हमें कश्मीर लेके रहेंगे। इसलिए मोदी को बड़ा बहुत ही सपोर्ट मिला इलेक्शन में। नंबर वन, 1987 में राजीव गांधी ने जाके एक बड़ा अच्छा एग्रीमेंट किया था चीनियों के साथ। उसने कहा देखो हमारा डिस्प्यूट है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में और हम और तुम बैठ के ये मैटर को पीसफुली सेटल करना चाहते हैं और हम कहते हैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हम पीसफुली इसको सेटल करेंगे। चीन ने कहा बिल्कुल ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। और देखिए 1987 में से देखे काफी 20 साल तक चलता रहा मामला इस तरीके से। फिर मोदी साहब जब आए उन्होंने क्या किया, उन्होंने 70 रोड्स, ब्रिजेस और एक एयरपोर्ट जो गुड इनफ फॉर रशियन सुकोइस के लिए बनाया। तो हाँ। चीन ने कहा कि भाई हमने तो पीसफुली सेटल करना था, ये तुमने ये क्या कर रहे हो भाई, ये खत्म करो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी कोई और तैयारी है, कोई एग्रेसिव तैयारी है। इसने कुछ बात ही नहीं सुना। तो फिर उन्होंने अच्छा, उसके बाद 370 जब आ गया, चीन ने उनको कहा लद्दाख तो तुमने इंडिया का एक हिस्सा बना दिया है, ये तो हमारा डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अब इसके माने ये है कि तुम हमारा जमीन को अपना बना लियो। दिस इज हार्डली पीसफुल सेटलमेंट। अब हम तुमने हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट किया है। तो इसलिए जब उन्होंने ये सब चीजें देखा समीना, उन्होंने कहा हम इसको मानते नहीं है, हमें इस पर कोई भरोसा नहीं है, ये इस किस्म का आदमी है। और 5 मील 7 मील जो आप कह रहे हैं शायद अंदर आ गए हैं, गढ़ गए हैं। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, आपने कहा शुरू में पाकिस्तान के दो बेनिफिट्स हैं इसमें। एक बेनिफिट तो ये है कि अगर इंडिया और चीन का फैसला हो जाता और समझिए अगर उस लाइन पे फैसला होता जो इंडिया चाहता है तो 7 मील के फासले तक इंडिया का हुदूद आता। इसका मतलब यह है कि 7 मील के बाद काराकोरम हाईवे जो है इंडिया के कंट्रोल में हो सकता था। एक दफे आप काराकोरम हाईवे को बंद कर दें, एक दफे सिंकियांग, तो फिर पूरा सीपेक इज गॉन, खत्म, कोई फायदा ही नहीं। इतने बिलियंस आपने खर्चा है, वो इंडिया के कंट्रोल में आ जाएगा। मेरे अपने ख्याल में समीना, मूडी जो है ये, इसको हमें समझना चाहिए, ये इस्तेमाल फोर्स करेगा। मैं नहीं समझता कि दिस इज द एंड ऑफ द मैटर। देखिए व्हाट डज ही हैव टू लूज, अगर आज के सिचुएशन में अगर वो फैसला मान जाए चीन के साथ तो उसका फिर लूज लूज है हर लिहाज से। वो लूज किया है, उसकी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसका पोलिटिकली उसको बड़ा धक्का पड़ा है, तो ये कुछ करेगा। देखिए काजी, मेले से और कोमा ढेले से सबसे ज्यादा बिदकता है। काजी को डर होता है इतने बड़े मेले में सभी के निकाह कराने पड़ गए तो घुटने बैठ जाएंगे, जबकि कोमा सोचता है कि अगर किसी ने ढेला उठाकर मार दिया तो पैर ऊपर हो सकते हैं। अब मामला चीन और भारत के बीच चल रहा है, पर दस्त पाकिस्तान को लगे हुए हैं। यह इस लफड़े पर फायदे की बात करके रिझते भी हैं, साथ ही इसलिए भी फट रही है कई पीओ के नाथ से चला जाए, सीपैक से चीनी बिस्तर इनके सिर पर न उठाकर रख दिया जाए। वैसे इस मदरसा कौम को इतना आभास जरूर है कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, और जो करते हैं वो तभी दिखाते हैं जब वह पूरा हो चुका होता है। अगर आज पाकिस्तान में खलबली मची है तो वह बेफिजूल नहीं है। मोदी पीओके को वापस लेने का घोषित ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान की हालत मेले वाले उस काजी की तरह है जो मोदी की लोकप्रियता और भारतीय सेना के उद्घोष से पहले ही गीला हो रहा है।
यानी अभी डेला फेंका भी नहीं है और ये मुल्ला कौम छप्पर की तलाश में दौड़ रही है। इतनी घबराहट भारत के किसी पीएम ने पहले बिठाई होती तो यह भंबू पर इतनी जोर से बांग नहीं लगाते। अगर मोदी का यही डर इनकी तस्वीर पर चिपका रहा तो इन हालातों में यह खुद ही पीओके भारत को सौंपकर अज पर भाग जाएंगे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।